इस प्रीवियस क्लास में हमने इस लिस्ट को शुरू किया था, यहाँ पर ये जो स्टेटस आपको स्टैंड बाय शोर है, इस स्टेटस को हम अब अपडेट करेंगे कि अगर इसका पेमेंट हो चुका है तो यहाँ पर ये क्लियर शो होगा, अगर पेमेंट नहीं हो चुका है तो यहाँ पर पेंडिंग शो होगा कि इसका पेमेंट जो है पेंडिंग है, या यहाँ पर कोई स्टेटस हम लगा देंगे वो मसला नहीं है। लेकिन प्रीवियस क्लास में जो इसको हमने क्रिएट किया था, इस लिस्ट को हमने जो गेट किया था और यहाँ पर इसको शो किया था कि परचेस किस तारीख पर हो चुका है, सप्लायर नेम क्या है, सब टोटल अमाउंट इसका कितना था, फिर उस पर टैक्स कितना आया और शिपमेंट जो है उसकी फ़ी कितनी थी, और फिर टोटल पेमेंट जो हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेट हुआ तो, और यहाँ पर स्टेटस वगैरह। सो ये हमने प्रीवियस क्लास में जो है प्रॉपरली जो है इसको इम्प्लीमेंट किया था, जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है परचेस ऑर्डर्स। अब इस जो वीडियोज है, इस जो ट्यूटोरियल है, उसमें इसमें जो है हम उसको सेट करेंगे जो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया भी था आपको कि यहाँ पर ये जो शो हो रहा है, ये लिस्ट यहाँ पर ये जो रिपोर्ट शो हो रहा है, ये यहाँ पर कुछ इशू भी इसमें आ रहा है, लेकिन इसको हम ख़त्म करेंगे यहाँ से, और यहाँ पर एक बटन लगाएंगे, चाहे वो सर्च का बटन हो या प्रिंट का बटन हो, कि वहाँ से हम क्लिक करें और फिर ये वहाँ पर ओपन हो जाए और हम इसको प्रिंट कर सकें। यहाँ पर ये जो प्रिंट बटन आपको शो रहा है ताकि हम इसको प्रिंट कर सकें फिर। सो चलिए और बिस्मिल्लाह करते इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो ओपन द विजुअल स्टूडियो एंड देन स्टॉप द डिबगिंग। फर्स्ट गो टू दिस सेव ऑल एंड सेव द चेंजेस एंड देन गो टू दिस ऑल परचेज सीएसएचटीएमएल व्हिच इज इनसाइड इन दिस परचेजेस कंट्रोलर एंड ऑल्सो यू कैन ओपन दिस व्यू फ्रॉम दिस परचेजेस फोल्डर हेयर। सो नाउ क्लिक ऑन दिस, तो ये हमारे पास यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास एक है स्टेटस, स्टेटस इसका क्या है, ट्रू है फाल्स है जो भी है, सॉरी स्टेटस हमारे पास इसका क्या, मतलब पेमेंट पेंडिंग है या पेमेंट पेड है या जो भी है। तो चलिए पहले यहाँ पर इस पेमेंट का जो इशू है वो हम हल करते हैं, उसके बाद जो है हम यहाँ पर व्यू पे जाएंगे कि इसका जो रिपोर्ट है वो हम प्रिंट करें। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सेट दिस स्टेटस, या इसका पेमेंट जो है वो हमारे पास यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो चुका है क्या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें यहाँ पर कुछ क्लियर मीन्स लाइक अ ब्लू, अगर हमारे पास जो है ये अभी क्लियर नहीं है पेंडिंग है पेमेंट, तो इसका जो है वो कलर चेंज होना चाहिए। तो ऑलरेडी यहाँ से हम जो ये क्लास हम यूज़ कर रहे हैं इसमें है ये चीज़ें, ठीक है। सो चलिए और इसको, अच्छा फर्स्ट जो है जी हमारे पास जो रिपोर्ट प्रिंट हो रहा था उसमें भी कुछ इशू हमारे पास आ रहा था। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, अभी ये एचटीएमएल या एक्शन वगैरह जो भी है इसको अभी हमें छोड़ना है, ठीक है। बस यहाँ पर छोटा सा हमें ये क्यूआरएल जो है वो यूज़ करना है, वो पहले से जो है आप लोगों को पता है उसको हमें कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो वो सिर्फ जस्ट लाइन ऑफ कोड हमें चेंज करना है, लेकिन फर्स्ट वी आर गोइंग टू फिक्स दिस स्टैंड बाय जो हमारे पास स्टेटस है उसको हम फिक्स करते हैं। सो नाउ गो टू दिस परचेज, और यहाँ पर इस परचेज में जो है हमारे पास पेमेंट की जो स्टेटस है इसको हम सेट करेंगे। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास परचेज इनवॉइस एम भी है इसमें हमें जाना है दिस वन, ये हमारे पास नहीं दिस वन नहीं, एंड बिलो जो हमारे पास साल परचेजेज है, तो ये हमारे पास लिस्ट बन चुका है, लेकिन हमें इस पर प्रिंट परचेज इनवॉइस में जाना है। सो नाउ गो टू दिस, गो टू द डिफिनीशन, और इसमें हमें एक छोटा सा यहाँ पर एक फील्ड को ऐड करना है, और फील्ड में हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये हमारे पास हो जाए सॉरी ये हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेंथ, और यहाँ पर इसका जो है स्टेटस। सो स्टेटस में हम राइट करेंगे पेमेंट इज पेंडिंग, पेमेंट इज पेड एंड सो ऑन। सो नाउ सेव द चेंजेस एंड देन परचेज कंट्रोलर, सो द चेंजेस एंड देन यहाँ पर हम जो है इसका पेमेंट को भी चेक करेंगे कि इसका पेमेंट हो चुका है क्या नहीं। सो ये टोटल अमाउंट या सब टोटल हमारे पास ऑलरेडी है। सो ये सप्लायर इनवॉइस आरटीबीएल सप्लायर इनवॉइस डिटेल ये हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं, एक और चीज़ भी इसके साथ आएगा अगर इसमें है, तो चलिए उसको सेट करते हैं फॉर ईच यहाँ पर सेट करें, और इसमें जो है यहाँ पर पेमेंट लिख दें, और यहाँ पर ये जो सप्लायर इनवॉइस हमारे पास है जो रिट्रीव किया है हमने फ्रॉम डेटाबेस, सो नो टीबीएल सप्लायर पेमेंट, यहाँ पर ये टीबीएल सप्लायर पेमेंट ये रिटर्न सॉरी टीबीएल सप्लायर इनवॉइस पेमेंट, तो ये सप्लायर पेमेंट लिख दें यहाँ पर सप्लायर रिटर्न पेमेंट। नाउ रिमूव दिस एंड ओपन द इसके एमएल सर्वर, और चेक करते हैं कि जो
हमारे पास इनवाइस है, उसमें कौन सा जो है वो टेबल है जिसमें हम पेमेंट को सेव करते हैं, तो यहाँ पर भी हमने इसको सेव किया है। जो पेमेंट यहाँ पर हमारे पास ट्रू होते हैं, तो हमारे पास ये TBL सप्लायर पेमेंट है। तो चलिए बस क्लोज कीजिए इसको, इसे हमें ज़रूरत नहीं है। सो नो क्लोज दिस एंड देन स्क्रॉल डाउन, यहाँ तक दोबारा जो है इसको स्क्रॉल करें और यहाँ पर डॉट। अच्छा, अब ये TBL जो सप्लायर इनवाइस है, आई थिंक इसके साथ जो है इसका कनेक्शन जो है वो नहीं हो चुका है, इसलिए यहाँ पर ये मसला दे रहा है। सो अब हमें क्या करना है, चलिए इसको यहाँ से ख़त्म कीजिए, अब इसका कोई मसला है, कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। सो नो वॉर सप्लायर पेमेंट इज इक्वल टू db.tbl सप्लायर पेमेंट डॉट वेयर एंड देन वेयर p डॉट सप्लायर इनवाइस आई डी। सप्लायर इनवाइस आई डी इज इक्वल टू ये जो सप्लायर इनवाइस है डॉट सप्लायर इनवाइस आई डी, इसको हम कंपेयर कर देंगे और फिर यहाँ पर इसको जो है हमारे पास डॉट टू लिस्ट यहाँ पर रिट्रीव हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर इसको हमने कैलकुलेट कर दिया डॉट फेयर और डॉट टू लिस्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे एफ ओ, अगर हमारे पास ये सप्लायर पेमेंट जो है हमारे पास ये नॉट इक्वल टू नल है, वैसे भी ये नल नहीं होता है लेकिन कंडीशन को हमें लगाना है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करें इसलिए। सो नाउ एफ ओ सप्लायर पेमेंट डॉट इसको काउंट कीजिए, अगर ये ग्रेटर देन जीरो एरर कार्ड जिसमें, तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे। सो कैलकुलेशन हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर जितना पेमेंट इसमें मतलब हम यहाँ पर हो चुके हैं वो भी हम कैलकुलेट करके यहाँ पर शो करेंगे। तो ये जो हमने यहाँ पर परचेज ये ओपन किया हुआ है, यहाँ पर हम उस पेमेंट को भी सेट करते हैं ताकि वो भी हमारे पास यहाँ पर शो हो जाए। सो चलिए मैं यहाँ से लेता हूँ उसको डबल और फिर यहाँ पर पेड अमाउंट या यहाँ पर पेड अमाउंट, ओके पेड अमाउंट। तो इस इनवाइस का जो जितने पेमेंट हमारे पास यहाँ पर हो चुका है, जितना पेमेंट वो यहाँ पर भी शो होगा। तो चलिए इससे चेंजेस एंड देन गो टू अगेन दिस परचेज कंट्रोलर और यहाँ पर हम परचेज इनवाइस डॉट पेड अमाउंट इज इक्वल टू ये सप्लायर पेमेंट डॉट सम और सम में हम यहाँ पर एस डॉट ये जो पेमेंट है हमारे पास यहाँ पर पेमेंट अमाउंट, ठीक है, वो हम यहाँ पर जो है कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर पेमेंट आ जाएगा। अगर कोई इशू कोई मसला है उसमें तो ये वैसे भी बाय डिफॉल्ट जीरो ही शो होगा। सो पहले जो है हमें सिम जो है इसको भी ऐड करना है व्यू में। सो नो गो टू दिस और यहाँ पर इसको भी ऐड करें कि टोटल पेमेंट हमारे पास ये है और इसका जो पेमेंट है इनवाइस डॉट पेड अमाउंट, ठीक है, सॉरी इनवाइस हेडर में नहीं, बस यहाँ पर, ठीक है। तो इसका जो पेमेंट है अमाउंट पेमेंट वो भी यहाँ पर शो होगा। सो नाउ टोटल अमाउंट हमारे पास ही है और इसका जो पेड पेमेंट है वो हमारे पास यहाँ पर सो पेड अमाउंट, इसका कितना पेमेंट जो है वो पेड हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर उस पेड अमाउंट के बेस पर यहाँ पर हम स्टेटस में जो है वैल्यू को हम सेट करेंगे। सो सेव द चेंजेस एंड देन गो टू अगेन दिस परचेज कंट्रोलर। अब खैर अगर इसमें जो भी हो यहाँ पर ये जीरो ही शो होगा, तो अब यहाँ पर हम स्टेटस को सेट नहीं करते, ये दोबारा यहाँ पर जाइए स्टेटस को रिमूव करें, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं, ठीक है। हमें अगर जरूरत है तो यहाँ पर स्टेटस की है, ये जो यहाँ पर इसका व्यू जो है यहाँ पर ये ऑल परचेजेस का। सो नो यहाँ पर अब हम ऐसा करते कि अगर हम वहां से भी लगा देंगे तो मसला नहीं है, अगर यहाँ से भी कर लेंगे तो मसला नहीं। तो चलिए यहाँ से ये करते हैं, आपको पता भी मतलब चल जाएगा कि यहाँ से हम कैसे जो है इस कोड को कर देंगे। सो एटम और यहाँ पर ये जो बाउंड्री इसको क्रिएट कीजिए, ठीक है, एंड देन एफ ओ, अगर हमारे पास यहाँ पर ये आइटम डॉट टोटल अमाउंट, सॉरी यहाँ पर हमारे पास जो है आइटम डॉट इनवाइस हेडर डॉट टोटल अमाउंट
is equal to item dot paid amount. अगर ये दोनों हमारे पास इक्वल है, ठीक है, तो फिर हमारे पास यहाँ पर ये जो लिंक है इसको हमें कैसे शो करना है, इसको इसको यहाँ से रिमूव कर दे, ठीक है, और यहाँ पर पेमेंट इज क्लियर, यहाँ पर एक क्लियर जो है वो लिख दे, और क्लियर में यहाँ पर ये डाट इन्फो है, सो डैश, और यहाँ पर जो है इसको सक्सेस कर दे, ठीक है, कि हमारे पास जो है क्लियर हो चुका है, देन एल्स इफ पर यहाँ पर सेट कीजिए, अगर यहाँ पर जो पेड अमाउंट है एफ यहाँ पर भी लिख दें, और एफ में हमारे पास अगर आइटम डॉट सॉरी यहाँ पर जो डॉट पेड अमाउंट जो है अगर ये इक्वल टू जीरो है तो यहाँ पर ये सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पर एक तो यहाँ पर डेंजर करें और यहाँ पर पेंडिंग पेमेंट पेंडिंग, ठीक है, तो ये हमारे पास फिट हो गया। अब एल्स में थर्ड कंडीशन जो हमारे पास आ रहे हैं, अगर चलिए यहां पर भी एफ अगर आइटम डॉट इनवॉइस हेडर द टोटल अमाउंट इज ग्रेटर देन आइटम डॉट पेड अमाउंट, अगर इससे ये ग्रेटर देने तो इट्स मीन कि इसने कुछ पेमेंट किया और कुछ जो है वो बाकी है, सो यहां पर हम एक स्टेटस लगा देंगे सम पेमेंट इज पेंडिंग, सही, या यहां पर कोई और निशान हम लगा सकते हैं, पेमेंट पेमेंट नॉट क्लियर या हाफ पेमेंट, सम पेमेंट पेड मींस कुछ पेमेंट हो चुका है, ठीक है, या पेमेंट इन प्रोग्रेस यहां पर लिखते हैं कि पेमेंट प्रोग्रेस में चल रहा है, ठीक है, पेमेंट इन प्रोग्रेस, या एक्चुअली यहां पर इन प्रोग्रेस लिखते हैं तो वो अलग होगा ना, फिर इन प्रोग्रेस पेमेंट इन प्रोग्रेस चल रही है, तो फिर यहां पर एक स्टेटस में हम लिखते हैं कि ये हमारे पास है पेमेंट स्टेटस, ठीक है, तो अब इस स्टेटस से हमें पता चलेगा कि इसका पेमेंट क्लियर है, इसका पेमेंट पेंडिंग है, इसका पेमेंट जो है वो इन प्रोग्रेस चल रहा है, ठीक है, मतलब कुछ पेमेंट हो चुके कुछ जो है वो बाकी है। इसमें अगर कोई मसला आई है यहां पर हम स्टॉप लगा देंगे और यहां पर डेंजरस कंडीशन भी शो होगा, ठीक है, या इन प्रोग्रेस में हम वार्निंग शो कर देंगे, ठीक है, इसमें जो है पेमेंट पेंडिंग में भी जो है वो और स्टॉप में भी जो है ये शो होगा, सो नाउ शो द चेंजेस, चलिए हम इसको रन करते हैं, फर्स्ट चेक करते हैं कि जो स्टेटस हमने लगाया वो हमारे पास कैसे शो हो रहा है, और एक बात और भी याद रखो ये हमारे पास पेमेंट स्टेटस है, इसे हमें पता चले कि ऑर्डर जो है वो क्लियर हो चुका है या ऑर्डर हमारे पास रिटर्न हो चुका है या ऑर्डर हमारे पास जो है वो जो भी हो वो यहाँ पर ही शो होगा। इसमें बाद में भी हम इसमें दोबारा आके कुछ चेंजेस भी करेंगे स्टेटस वाइज। इससे अच्छा ये होता कि हम इसके लिए टेबल जो है वो क्रिएट करें डेटाबेस में, लेके खैर कोई मसला नहीं है, बस ऐसा ही सही है, ऐसा भी मतलब हम कर सकते हैं। वैसे भी जब स्क्रिप्ट लैंग्वेज है ये सिर्फ सर्वर पे ही रह जाए, सर्वर साइड लैंग्वेज है और ये सर्वर पे ही रह जाता है, सो जो डाटा मतलब बुकर आउट होता है वो डाटा ओनली जो है यूजर को जाके उसको शो होते हैं, तो उसमें कोई चेंजेस वगैरह या ऐसे कोई मतलब छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। सो नाउ नहीं ये व्यू के बेस पे आते हैं, व्यू इन साइड व्यू में जो है मॉडल में आता है ये डाटा, व्यू बैक व्यू स्टेट वो एक अलग कंसेप्ट है हमारे पास, वो इंशाल्लाह हम बाद में जो है उस चीज़ों को भी हम स्टडी करेंगे, ये सेशन जिस तरह हमने यूज़ किया हुआ है जैसे वैसा व्यू डेटा और व्यू स्टेट भी हम वो इसलिए होते हैं कि वो इन साइड यानी व्यू होते हैं, वो जो है आउटसाइड द कंट्रोलर एक्सेस नहीं होते हैं, ये और टिम जो है वो आउटसाइड कंट्रोलर जो है वो फिर वो एक्सेस होते हैं जब उसमें हम डेटा स्टोर करें, और सेशन जो है सेशन
ओवरऑल द एप्लीकेशन जो है आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो नाउ गो टू द परचेज, देन क्लिक ऑन ऑल परचेज ऑर्डर एंड यहाँ पर अब चलिए इसको खत्म करें। ये हम इसे ये यहाँ पर पेमेंट इज पेंडिंग, हमारे पास यहाँ पर इसका पेमेंट जो है वो पेंडिंग है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्लियर है। तो चलिए अगर यहाँ से मैं इस चलिए डेटाबेस में इसको मैं चेक करता हूँ कि हमारे पास दोनों जो है उसका पेमेंट हो चुका है दोनों ऑर्डर की या नहीं। तो चलिए यहाँ पर से भी इसको कंपेयर करते हैं ताकि हमें हर पॉइंट जो है वो हमें क्लियर नजर आ सके। सो नाउ क्लिक ऑन दिस बिजनेस आरपीडीबी एंड देन डू टू द टेबल्स और यहाँ पर ये सप्लायर पेमेंट जो हमारे पास है इस पे राइट क्लिक करें एंड देन सेलेक्ट द डेटा फ्रॉम दिस टेबल विच इज TBL सप्लायर पेमेंट। सो यहाँ पर देखिए सिर्फ एक जो है उसका पेमेंट हो चुका है, बाकी नहीं हो चुका है। ओके सो यहाँ पर ये पेंडिंग है। अब हमें इस इशू को हल करना है जो यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। सो चलिए इसको हल करते सिंपली, नाउ स्क्रॉल डाउन और ये जो बटन BTN फ्रॉम रिसिकंड एंड टाइप ऑफ द बटन, यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि एक लिंक को क्रिएट करते हैं एक्शन लिंक को और या एक इनपुट को क्रिएट करते हैं, लेकिन फिर उसमें हमारे पास URL का मसला चलेगा। तो चलिए एक काम करते हैं यहाँ पर बटन का हमारे पास या यहाँ पर A लिख दें, ठीक है, और इसका टाइप हमारे पास जो है चलिए यहाँ पर और ये HRF हमारे पास होगा। HRF में हमें इसको सेट करना एट URL एंड देन यहाँ पर इसको कॉपी करें, ये हमारे पास जो है वो एक्शन हो गया। यहाँ से जो है वो साइन एट करें और यहाँ पर जो है ये सप्लायर इनवाइस आईडी, सुनो कॉपी दिस, इसको ऐसा नहीं करना है, पुटे क्वेश्चन मार्क लगाना है, फिर इसको ऐड करना है और यहाँ पर इक्वल टू, फिर यहाँ पर हमारे पास प्लस साइन को आपको लगाने और देन नाउ कॉपी दिस, यहाँ पर हमें एट द राइट को ही लिखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक्सेस होता है। सो ये हमारे पास अपसेट हो गया, यहाँ पर URL है हमारे पास, ये कंटेंट भी सोच रहा था इतना छोटा तो ये मैंने कभी नहीं देखा है। अच्छा चलो इतना ये तीन करेक्टर कभी सोच रहा था यहाँ पर ही क्यों भी आ रहा है, कभी कभार ही होता है, ठीक है। चलिए ये सप्लायर इनवॉइस आईडी, अब हमें क्या करना है इसको हमें ख़त्म करना है, ठीक है। ये सर्च वगैरह जो है इसको ख़त्म कीजिए यहाँ पर एंड नाउ रिमूव दिस। एंड नाउ उसको तो चेंज, चलिए इसको रिफ्रेश करते और देखते कि ये हमारे पास जो है अब रिपोर्ट जो है वो प्रॉपरली कैसे प्रिंट होता है। सो चलिए वेट टिल टू रन द एप्लीकेशन सक्सेसफुली। नाउ लॉगिन एंड गो टू द परचेजेस ऑल परचेज ऑर्डर्स। अभी देखिए यहाँ पर कोई इश्यू वगैरह जो है वो नजर नहीं। अब यहाँ पर ये जो है हमारे पास हुई है, चलिए इस पर क्लिक कीजिए। सो ये प्रिंट परचेज इनवाइस यहाँ पर अब ये इशू दे रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास इसका जो है वो भी होना चाहिए कंट्रोलर। सो कंट्रोलर चलिए यहाँ पर हम ऐड करते हैं, परचेज हमारे पास ये इसका कंट्रोलर है, इसको ख़त्म कीजिए यहाँ पर, इसको भी ख़त्म। तो ये हमारे पास इसका कंट्रोलर है, देखिए PORCHACS। चलिए मैं इसको सेव करता हूँ और फिर दोबारा जो है बैक जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ इसको एंड देन यहाँ से जो है उस पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये देखिए यहाँ पर ये पूरा डिटेल हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है। सो ये हमारे पास था, ये यहाँ पर हमारे पास व्यू नहीं आना चाहिए, ठीक है। व्यू को मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिटेल, ठीक है। तो डिटेल अगर वो चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं, अगर वो मतलब नहीं
प्रिंट करना चाहते हो तो नहीं प्रिंट करें, कोई मसला नहीं। और ये ऊपर जो यहाँ पर कोई टाइटल वगैरह भी जो है वो भी इशू नहीं हो रहा है, चलिए खैर बस छोड़ दो। अभी देखिए यहाँ पर ये प्रॉपरली काम जो है हमारे पास कर रहा है, ठीक है। 1 2 सो ये हमारे पास था कि हाउ टू फिक्स द इश्यूज इनसाइड इन दिस परचेज ऑर्डर एंड आल्सो हाउ टू फिक्स दिस पेमेंट स्टेटस, कि हमारे पास यहाँ से भी हमें पता चल सके कि यहाँ पर जो स्टेटस है वो पेमेंट का क्या चल रहा है, हमारे पास क्लियर है नहीं क्लियर है। फिर कमिंग वीडियो में हम यहाँ पर एक लिंक को क्रिएट करेंगे कि हम जब इस पर क्लिक करेंगे या यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका पेमेंट डिटेल हमारे पास शो होगा और उस पेमेंट से जो है हम इस ऑर्डर का जो है वो पेमेंट हम करेंगे। और नीचे यहाँ पर जो हमारे पास बैक यहाँ हम चलते हैं यहाँ पर, और ये यहाँ पर जो परचेज हमारे पास है यहाँ पर हम ऑल परचेज ऑर्डर है, यहाँ पर पेंडिंग परचेज ऑर्डर हमारे पास आएगा जिसका पेमेंट पेंडिंग होगा, जिसका हमारे पास कंप्लीट होगा और ऑल होगा। ये दोनों लिस्ट जो है हम इंशाल्लाह कमिंग वीडियो में भी बनाएंगे और पेमेंट का इश्यू भी जो है हम इंशाल्लाह पेमेंट कैसे हम करेंगे परचेज का, चाहे वो आधा हो जाए या कम्प्लीट हो जाए, वो हम कैसे हैंडल करेंगे। सो इसको हम कमिंग वीडियो में इसको फिक्स करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।